एसीबी की फिर कार्रवाई हुई है। बेड दिलवाने के नाम पर दलाली करने वाले दो ठेका कर्मियों को गिरफ्तार किया है। आरयूएचएस बिजली का ठेका है दोनों के पास। ओमवीर पवन गिरफ्तार हुए हैं, 10,000 लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी घूस दोनों ले चुके थे और दोनों को प्रतापनगर थाने फिलहाल लाया गया है। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है आरयूएचएस में, क्या कुछ और जानकारी? देखिए बिल्कुल, आरयूएचएस जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, ऐसा लग रहा है कि ये घूसखोरी के लिए एक बड़ा जो गढ़ है वो बन चुका है। कैसे आपदा में अक्सर इस तरह के जो लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं, उनके जो चेहरे हैं एक एक करके एसीबी बेनकाब करती जा रही है। इससे पहले कार्रवाई हुई थी और आज कार्रवाई की है। एसीबी के एडिशनल एसपी जो बजरंग सिंह है, उन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। दो लोगों को दलाली करते हुए पकड़ा है और ये जो दोनों है ये यहाँ पे ठेका कर्मी है, बिजली का ये ठेका करते हैं। और यहाँ पे जो परेशान मरीज है जिनको बेड आसानी से नहीं मिल पा रहा था, उनको ये लगातार प्रलोभन देते थे कि हम आपको बेड दिलवा देंगे और उसकी एवज में ये लगातार पैसा लेते थे। ये जो भी वर्तमान केस हुआ है इसमें 10,000 लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पहले भी ये मरीजों से इसी तरीके से घूस ले चुके हैं, तो इनका जो पूरा कच्चा चिट्ठा है कि अब से पहले किन किन मरीजों से ये इन्होंने घूस ली है, इन तमाम चीजों को लेकर एसीबी जानकारी बटोर रही है। लेकिन बहरहाल लगातार एसीबी जो ऐसे लोग हैं उनको बेनकाब करके सिस्टम से इस तरह की जो गंदगी है उनको साफ कर रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई फिलहाल एसीबी की। इसी बीच आपको बता दें कि देश